नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ डॉक्टर अंशुल महाजन से, जो कि साइकाट्रिस्ट हैं और मानस क्लिनिक टैगोर नगर लुधियाना में प्रैक्टिस करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज मैं आपसे डिप्रेशन के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डिप्रेशन क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग है, मानसिक बीमारी से हम बोलते हैं। इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि इंसान का मन उदास रहता है, इंसान का मन बेचैन रहता है, उसको रोने का मन करता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, काम पे ध्यान कम हो जाता है, इसके साथ ही साथ नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, कुछ लोगों में जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, साथ ही साथ सुसाइड की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। जैसा कि आपने बताया कि डिप्रेशन में सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनमें सुसाइड का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? जी हाँ, बिल्कुल, सुसाइड टेंडेंसी डिप्रेशन में बढ़ जाती है जिन मरीजों में मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन रहती है, या फिर जिनका सोशल सपोर्ट सिस्टम वीक होता है। इन मरीजों में देखा गया है कि सुसाइड टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये बताइए कि डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं? डिप्रेशन के अनेक कारण होते हैं। स्ट्रेस, जो कि आजकल सबसे अहम कारण है, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो वर्कलोड पे हो, इसके कारण डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा है डिवोर्स या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लाइक ब्रेकअप्स। तीसरा शराब, अफीम में नशा करना, इससे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। कुछ फीमेल्स में डिलीवरी के बाद डिप्रेशन बढ़ जाता है, जिसे हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। मरीजों में देखा गया है जो लंबी बीमारी के होते हैं, क्रोनिक इलनेस के होते हैं, कैंसर मरीजों में देखा गया कि इनमें भी डिप्रेशन पाया जा सकता है। सर, जो उम्र दराज लोग होते हैं, बूढ़े लोगों में, उनमें भी डिप्रेशन ज़्यादा देखा गया है, उनके क्या कारण हैं? जी, उनमें क्रोनिक इलनेसेस होती हैं, लंबी बीमारी होने के कारण उनकी उनमें भी तनाव या डिप्रेशन सा हो जाता है। ये बताइए कि डिप्रेशन से किस तरह से बचा जा सकता है? डिप्रेशन से बिल्कुल बचा जा सकता है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, दवाइयों के सहारे। आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना चाहिए, बगैर सलाह के दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। दूसरा तरीका होता है कि काउंसलिंग, जिसमें मरीज को एक पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ बताया जाता है। जो डिप्रेशन के कारण कुछ लोगों में नेगेटिविटी होती है, उनमें पॉजिटिविटी बताई जाती है, मोटिवेशन बताया जाता है, उनको तरीके बताए जाते हैं कि डिप्रेशन से कैसे फाइट किया जाए। तो डॉक्टर, क्या डिप्रेशन का इलाज संभव है पूरी तरह से? क्या डिप्रेशन ठीक हो जाता है? जी हाँ, डिप्रेशन का इलाज संभव है। पूरा इलाज डॉक्टर के मुताबिक कराएं और दवाई बीच में ना छोड़ें। इसके अलावा लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए, फल खाएं, सब्जी खाएं, दूध पिएं, योगा करें। यदि कोई आपको आसपास कोई निराश दिख रहा है तो उसको नियर बाय कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। अगर हम एक इंसान की मदद करेंगे तो 10 को। ये थे डॉक्टर अंशुल महाजन, जो कि हमें आज डिप्रेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे। आशा है कि आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और आप डिप्रेशन से बचे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।